साथियों, आप ग्रीस में देखते रहे हैं कि कैसे यहां अपने कल्चर, अपनी पुरातन पहचान को संरक्षित किया जाता है। आज का भारत भी अपनी विरासत को सेलिब्रेट कर रहा है और उसे विकास से भी जोड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक से सुना ना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत अब दिल्ली में बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। संत रविदास की शिक्षाओं से जनमानस को प्रेरित करने वाला एक क्षेत्र, 50,000 से ज्यादा गांवों से लाई गई मिट्टी, 300 नदियों से निकाली गई मिट्टी से ये बन रहा है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा अभियान चला है। संत रविदास जी का जन्म तो, संत रविदास जी का जन्म तो काशी में ही हुआ था। मुझे काशी में संत रविदास जी के जन्म स्थान पर विभिन्न सुविधाओं के विस्तार का भी सौभाग्य मिला है। बीते 9 साल में हमने अपने गुरुओं के पावन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत काम किया है। एक जमाना था जब बहुत दूर से दूरबीन की मदद से लोग करतारपुर साहब के दर्शन किया करते थे। हमारी सरकार ने करतारपुर साहब तक राहदारी भी आसान बना दी है। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, ऐसे पुण्य अवसरों को विश्व भर में मनाने के लिए हमारी सरकार ने पूरी श्रद्धा से काम किया है। अब भारत में हर साल 26 दिसंबर को साहब जादों की याद में वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है।